हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्यूटोरियल। आज है 3 जुलाई 2020। आज हम जितने भी करंट अफेयर है वो हम डिस्कस करने वाले और क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा वो भी हम जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाए ताकि आप नोटिफिकेशन जल्दी पा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक से क्लिक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका ऑप्शन है जून 25, जून 27, जून 29 और जुलाई 1। और इसका आंसर होगा जुलाई 1। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और CA इज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 1 एवरी ईयर टू कॉमिमोरेट द फाइंडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 1949। भारत के संसद द्वारा 1949 साल में भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य पर हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के रूप में मनाया गया है। द डे एम्स टू सेलिब्रेटेड टू ऑनर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। द ICAI इज द सोल लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी बॉडी फॉर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग प्रोफेशंस इन इंडिया। ये ICAI भारत में वित्तीय और लाखों व्यवसाय के लिए एकमात्र लाइसेंसिंग और नियामक संस्था है। अबाउट ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसका प्रेसिडेंट है अतुल कुमार गुप्ता। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। हाल ही में किसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के CEO के रूप में नियुक्त किया है? इसका ऑप्शन है प्रसून जोशी, अनुपम खेर, रविंद्र भाकर और नानोदीज। इसका आंसर होगा रविंद्र भाकर। ऑन जून 30, 2020 रविंद्र भाकर ए 1999 बैच ऑफिसर ऑफ इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस एज्यूम चार्ज एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। 30 जून 2020 को रविंद्र भाकर जो 1999 साल के इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस के ऑफिसर रह चुके, उन्होंने इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त है। ही सक्सीड्स अनुराग श्रीवास्तव, वो अनुराग श्रीवास्तव को परिवर्तित करेंगी। अबाउट रविंद्र भाकर, प्रायर टू दिस अपॉइंटमेंट ही सर्व एज द सेक्रेटरी एंड चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑफ वेस्टर्न रेलवे। इस नियुक्ति से पहले उन्होंने पश्चिम रेलवे के सचिव और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य किया है। ही ऑल्सो सर्व एज एन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, वो इंडियन इंजीनियरिंग सेवा के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अबाउट CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इट इज ए स्टेट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग व्हिच रेगुलेट्स द पब्लिक एग्जीबिशंस ऑफ फिल्म अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952। ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक शताधिक निकाय है जो कि प्रावधानों के तहत फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शिता को नियंत्रित करता है, सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952। आज का तीसरा क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया गया? इसका ऑप्शन है जून 22, जून 25, जून 28, जुलाई 1। और इसका आंसर होगा जुलाई 1। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन 1 जुलाई एवरी ईयर। हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। द डे इज सेलिब्रेटेड टू द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पोस्टल वर्कर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये दिवस पोस्टल वर्कर्स को मान्यता के लिए ये दिन मनाया जाता है। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे इज ए यूनिक वे टू से थैंक यू टू द पोस्टमैन एंड ऑल डिलीवरी पर्सनल एज ऑनलाइन शॉपिंग हैज बिकम ए लाइफलाइन ऑफ मेनी ऑफ अस। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे ऑनलाइन शॉपिंग के रूप में पोस्टमैन और सभी डिलीवरी कर्मचारियों को धन्यवाद देने के लिए एक अद्वितीय उद्भावन है जो कि ये डाक सेवा हमारे जीवन का लाइफलाइन है। आज का 14 क्वेश्चन है, व्हेयर द 36th एशियन समिट विल बी हेल्ड वर्चुअली। यहाँ पर 36वां एशियन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा वर्चुअली। इसका ऑप्शन है कातर, आयरलैंड, वियतनाम और ब्राजील। और इसका आंसर होगा वियतनाम। द 36th एडिशन ऑफ द बाई एनुअल एशियन
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन सबमिट 2020 वाज हेल्ड भाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन हनोई वियतनाम बायनुअल एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस 36वां सम्मेलन है 2020 का वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की जाएगी और ये हनोई वियतनाम में होगा। थीम कोएसिव एंड रिस्पॉन्सिंग एशियन असंजन और जिम्मेदारी एशियन है। द मेन फोकस ऑफ द समिट वाज ऑन द कोविड 19 एपिडेमिक रिस्पॉन्स पोस्ट एंड पेंडेमिक रिकवरी एंड फर्दर कोऑपरेशन विद पार्टनर। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस कोविड 19 पर था और ये महामारी प्रतिक्रिया पोस्ट महामारी वसूली और भागीदारी के साथ सहयोग करेंगी। आज का पांचवा क्वेश्चन है व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्किल कनेक्ट फोरम कैंपेन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल कनेक्ट फोरम अभियान शुरू किया है? इसका ऑप्शन है पंजाब, गोवा, कर्नाटका और गुजरात। इसका आंसर आएगा कर्नाटका। ऑन जून 29, 2020 कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा लॉन्च ए पोर्टल स्किल कनेक्ट फोरम। 30 जून 2020 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री वाईएस येदियुरप्पा ने एक स्किल कनेक्ट फोरम अभियान लॉन्च किया है। दिस कैंपेन कनेक्ट जॉब सीकर्स, स्किल वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म। ये अभियान एक सामान्य मंच है जो नौकरी चाहने वालों, कुशल श्रमिक और नियुक्तों को निजी कंपनी के जोड़ता है। द पोर्टल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन अवेलेबल जॉब्स एंड दोज हु नीड। इस पोर्टल के द्वारा जिसे भी नौकरियों की जरूरत है वो नौकरी खोज सकते हैं। द जॉब सीकर्स कैन सर्च फॉर जॉब इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट रीजन्स विद इन द ईस्ट। नौकरी चाहने वालों विचित्र क्षेत्रों में नौकरी को तलाश कर सकते हैं और राज्य के भीतर विचित्र क्षेत्रों में। आज का छठा क्वेश्चन है विथ व्हिच कंट्री इंडिया होल्ड पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग इन इंडियन। आज का छठा क्वेश्चन है विथ व्हिच कंट्री इंडिया होल्ड पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग इन इंडियन ओशन। भारत महासागर में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए इंडिया ने किस देश के साथ पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज किया है? इसका ऑप्शन है रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। आंसर होगा जापान। इन ऑर्डर टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंडियन नेवी एंड जापानीज नेवी हैव कंडक्टेड ए डे लॉन्ग नेवल एक्सरसाइज पैसेक्स पैसिव एक्सरसाइज। आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना ने एक दिन लंबी नौसेना एक्सरसाइज पैसिव एक्सरसाइज आयोजित किया है। दिस एक्सरसाइज यूज्ड फॉर टैक्टिकल एंड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग टुवर्ड्स द मलक्का स्टेट इन द इंडियन ओशन रीजन। एक्सरसाइज यूज्ड फॉर टैक्टिकल एंड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग टुवर्ड्स द मलक्का स्टेट इन द इंडियन ओशन रीजन। ये अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में मलक्का जल राशि के और सामरिक और संचार प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जाएगा। दिस वॉज द 50th एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय द नेवीज ऑफ दीज टू नेशंस इन द लास्ट 3 ईयर्स। ये इनकी नौसेना द्वारा की गई है और ये 15वां अभ्यास था पिछले 3 वर्षों में दो राष्ट्रों। अबाउट इंडियन नेवी चीफ ऑफ द इंडियन नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हु हैज लॉन्च्ड द नाडा ऐप फॉर एथलीट। में किसने खिलाड़ियों के लिए नाडा नामक एक ऐप लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हु हैज लॉन्च्ड द नाडा ऐप फॉर एथलीट्स। हाल ही में खिलाड़ियों के लिए किसने नाडा नामक एक ऐप लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू। इसका आंसर होगा किरण रिजिजू। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज लॉन्च्ड द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फर्स्ट मोबाइल ऐप नेम्ड एज नाडा ऐप। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय विरोधी अभियान शुरू किया डोपिंग एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप जिसका नाम दिया गया नाडा ऐप। दिस एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द नाडा एंड द एथलीट्स बाय ऑफरिंग इजीली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस एज वेल एज। इसका उद्देश्य नाडा और एथलीट के बीच का अंतर को भापना ताकि खेल के विचित्र पहलुओं, निषिद्ध पदार्थों के साथ साथ डोपिंग परीक्षण पर आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान की जा सकती है। द नाडा ऐप इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए वन स्टॉप गाइड फॉर ऑल एंटी डोपिंग एंड मेडिकेशन रिलेटेड।
नाडा ऐप से सभी एंटी डोपिंग दवा से संबंधित जानकारी के लिए वन स्टॉप गाइड के रूप में भी कार्य का उम्मीद कर सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दाइंड। थैंक यू।